मोहित पॉल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, प्रीति जैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मान एल्यूमिनियम लिमिटेड 9810841571। आप अपनी समझ बदलो, कोई आपके पास आए आप कौन है विवाह दृष्टि से कहना पड़ेगा, पर मैं आत्मा हूं, 24 घंटे आपके भीतर आत्मा की आवाज धुन उठे, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, बोलना ना पड़े भीतर आत्मा आत्मा आत्मा, जो सोचोगे वो होगा, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो अब धारा बदलनी है। आज तक हमने शरीर को महत्व दिया, संबंधों को, सारे संबंध किसके हैं, शरीर के हैं, परिवार बनता है शरीर के लिए बनता है, रक्षा शरीर की होती है, माता पिता बहन भाई पति पत्नी बाप बेटा जो सारे संबंध, तो संबंध को तोड़ना है हमने, रहना घर में है पर उसको तोड़ना है, आसक्ति अटैचमेंट तोड़नी। ये सबसे पहला सूत्र है। यदि आपने इस भेद ज्ञान की साधना को, ये महावीर की साधना है, आत्मरमण को अपनाना है, तो पहले इस संबंध को तोड़ना ही होगा। बहुत कठिन कठिन है, ये आसान काम नहीं है। देखो संबंध तोड़ करके, कभी सोचो कि मैं अकेला रह गया हूँ, जंगल में हूँ, कोई नहीं है, कोई पास में नहीं है, उस समय क्या स्थिति होती है, किसकी याद आती है, और कौन है वो, किसको याद करके करोगे, कौन साथ जाता है, पहले जन्म में कौन था, आगे जन्म में कौन आएगा, पहले भी तुम आए मैं भी आया, कहाँ से आए, क्या संबंध था, और इस जन्म ने जन्मों जन्मों तक हमने उसको महत्व दिया। ये सारा अज्ञान, ये मोह, ये मिथ्या, तो इसको तोड़ना होगा, ये बहुत बड़ी जंजीर है, इसको तोड़ना होगा। तो ये साधना के लिए आप तैयार है, तोड़ने के लिए विचार करना, चिंतन करना। हमारे जीवन में अनंत काल का दुख है कि हमने अपने को ही समझा कि मैं हूं कौन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं पति नहीं हूं, मैं पत्नी नहीं हूं, मैं माँ नहीं हूं। ठीक है, ये रोल है आपका, करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि उदय कर्म है आपका, उसको भोगना पड़ेगा। पर यदि समता से, आत्म दृष्टि से भोगते हो तो अनंत कर्म की निजरा कर लोगे और दुखी भोगोगे। ये ध्यान क्या है, केवल दृष्टा भाव, कितना कहने में सिंपल और बड़ा कठिन है। ध्यान में कुछ भी नहीं करना, मात्र दृष्टा, देखो और जानो कि आप देख पाए, आपने भोजन किया, अपने को देखा और जाना, कितने सेकंड जाना, सच सच बताओ, आपने नाश्ता किया, दोपहर को भोजन किया, चल के आओ, दृष्टा भाव रहा कितना रहा, बोलो, पूछो अपने आप से, केवल दो चार क्षण रहा होगा फिर भूल गए, हुआ ना, ऐसा ही हुआ ना, मैं भी भूल जाता हूं, मैं आपको कोई ऐसा नहीं कहता। मात्र दृष्टा, दृष्टा का मतलब मैं, ये आत्मा का स्वभाव है, जितने क्षण जितने श्वास तुम दृष्टा में रहे, उतने क्षण तुम स्वभाव में रहे, उतने क्षण धर्म में रहे, उतने क्षण तुमने कर्मों की निजरा कर दी, ये साधना का फल है। तो इस साधना में जितने श्वास तुम मात्र दृष्टा, जैसे मैं आप सबको देख रहा हूं, देखने का मतलब इस आंखों से नहीं, आत्मदृष्टि से, और अनुभव कर रहा हूं, दृष्टा का मतलब आत्मदृष्टि से देखना और जानने का मतलब अनुभव करना कि तुम सब शुद्ध आत्मा है। आत्मदृष्टा शरीर और आत्मा के भेद को कर देता है, वो समझता नहीं ये स्त्री है ये पुरुष है, वो सब में आत्म दृष्टि देखता है। यदि मैं सब में आत्मा दृष्टि देखता हूं, तुम्हारे पास कोई भी आए, तुम उसमें आत्मा के दर्शन करना, ये मत समझना ये स्त्री है ये पुरुष है, ये सुंदर है ये सुंदर है, ये धनवान है ये निर्धन है, ये मेरे नजदीक है ये मेरे दूर है, ये मेरे संबंधी है ये मेरे नहीं, करते कि नहीं करते हम लोग, क्या करते है? ही करते हैं ना, तो ये कर्मों का बंधन है, ये तो शरीर का हो गया। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, महावीर के पास कोई आता, राय पसंदी सूत्र
32 प्रकार का नाटक होता, कितने देवी देवता, महावीर दृष्टा हूं, महावीर किसी से राग नहीं करते, महावीर को जरूरत भी नहीं। देवता ने पूछा मैं दिखाना चाहता हूं, महावीर मौन हो गए, उसने दिखा दिया अपनी संपदा, महावीर शांत हो गए, माया समेट ली उन्होंने अपनी। ये है दृष्टा। जितने क्षण तुम दृष्टा में रहोगे वो धर्म है। ये धर्म सबसे कठिन है। उपवास कर लेना, मांस खाम कर लेना आसान है, पर दृष्टा में रहना, तुम्हारी समय ज्ञाता दृष्टा भाव की है, हमारा साधुपना ज्ञाता दृष्टा भाव का है। ये जो क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, ये प्रार्थना, उपासना, प्रवचन, नवकार मंत्र का बोलना, ये सब क्रियाएं हैं, और क्रिया में पुण्य का बंध होता है, धर्म में कर्म नजरा होती है, समझ लीजिए। ये वाणी है महावीर की, दृष्टा में कर्म निर्जरा है और क्रियाओं में कर्म का बंध है, चाहे पुण्य है चाहे पाप है। ये क्रियाएं मैंने और आपने बहुत बार की, जन्मों जन्मों में की, पर मुक्त नहीं हुए। अब ये प्यास पैदा करो कि मुझे मुक्ति चाहिए प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो ये भाव भीतर लाए, दिल में तस्वीर राम की, जब जरा गर्दन दुखाई देख ली, दिल में तस्वीर राम की, जब जरा गर्दन दुखाई देख ली, भीतर देखो दर्शन हो जाएंगे। जब तुम दृष्टा भाव में है, वही तुम्हारा स्वभाव है, वही आत्मा है और वही परमात्मा है। परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है, ये तो हम आलंबन लेते हैं, तुम ही आत्मा और तुम ही परमात्मा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ये महावीर की वाणी है, पढ़ लीजिए। जब क्रोध आए, मान आए, माया आए, लोभ आए, मात्र दृष्टा, पुरुषार्थ कीजिए, हो जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड का अर्थ ये है कि हमेशा गुण ग्राहकता, किसी ने गाली भी दी तेरा भला हो। ईसा को सूली पे लटकाया जाता है, वो क्या कहते हैं, ओ गॉड फॉरगिव देम, दीज पीपल आर इनोसेंट, दे डू नॉट नो हाउ टू बिहेव विद द अदर्स। महावीर के कानों में केले ठोके जाते हैं, महावीर फिर भी उनके लिए भला सोचते हैं। तुम्हारे पांव में कांटा लग जाए तो धन्यवाद देना कि कांटा ही लगा है, कोई पिस्तौल से मार भी सकता था। इस तरह से अपने जीवन को, आपको भोजन ना मिले कोई बात नहीं, उपवास करने का अवसर मिल गया, ऐसे हमेशा उसमें पॉजिटिव लेना। पॉजिटिव का मतलब है कि एक गिलास है, कोई कहते आधा खाली है आधा भरा हुआ है, बात तो वही है। अब खाली को देखोगे तो खाली नजर आएगा, भरा देखोगे तो भरा, ये आधा भरा हुआ है ये आधा खाली है। खाली पाने को खाली लगता है, भरे वाले को भरा लगता है। जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनता, सूत के बिना कपड़ा नहीं बनता, धातु के बिना गहने नहीं बनते, लकड़ी के बिना गाड़ी नहीं बनती, बीज के बिना धान्य की उत्पत्ति नहीं होती, उसी तरह अन्य अनेक साधनों के बावजूद शुद्ध आत्मा के स्मरण के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो शुद्ध आत्मा का स्मरण करना ही होगा, शुद्ध आत्मा में रमण करना ही होगा, शुद्ध आत्म दृष्टि रखनी ही होगी। इसलिए महावीर की धर्म में, महावीर की परंपरा में, महावीर के दर्शन में सर्वोच्च जो महत्व दिया गया है वह आत्मा। एक आत्मा को आप आत्मसात कर लो तो परमात्मा बन जाओगे। एक आत्मा, एक आत्मा एक तरफ और तीनों लोकों की संपदा एक तरफ, कल्प वृक्ष मिल जाए, कामधेनु गायें मिल जाए, चिंतामणि रतन मिल जाए, चक्रवर्तों का राज्य मिल जाए, पर आत्म दृष्टि नहीं मिली तो क्या होगा, सब छूट जाएगा, श्वास निकला सब निकल जाएगा।
और आत्मदृष्टि मिल गई तो श्वास भी टूट गया। वो आत्मदृष्टि से तुम अगले भाव में उच्च स्थान पर जाओगे, और यदि आप ऋजु हैं, सरल है, तो महाविदे में जाओगे और प्रभु के दर्शन करोगे और कल्याण पद को प्राप्त कर लोगे। देखो, जो आप स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ये बुद्धि का ज्ञान है। बुद्धि का ज्ञान इस भाव का है, पर भाव का नहीं। और आत्मरमण आत्मज्ञान पर भाव में जाता है, बुद्धि का ज्ञान यही रह जाता है। जैसे आपने देखा, कोई लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, और वृद्ध अवस्था से भूल जाते, कुछ याद ही नहीं रहता, विमूढ़ हो जाते। कोई साधुओं को देखो, बहुत संयम पालते हैं, अंतिम अवस्था दुखी हो जाते, विमूढ़ हो जाते, सब भूल जाते, पछताते हैं, रोते हैं। बुद्धि का ज्ञान है, केवल बुद्धि का ज्ञान। और बुद्धि के साथ यदि आत्मदृष्टि है, वो आत्मदृष्टि साथ जाती है। जो आत्मा है वो विज्ञान है, विज्ञान ही आत्मा। मतलब ज्ञान और आत्मा एक पद है, एक सूत्र में समाये हुए हैं। ज्ञान और आत्मा, ज्ञान पोथी का ज्ञान नहीं, ये शास्त्र का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। परमंग नानंग तयोदया, वो ज्ञान शास्त्र का नहीं है। हमने शास्त्र का ज्ञान समझ लिया, और शास्त्र पढ़ना अच्छी बात है, उससे प्रभु की वाणी सुनना, स्वाध्याय करना, ये गलत नहीं है, ये भी जरूरी है, ये भी पथ दृष्टि देता है। भगवान की वाणी सुनना, उनको सुनाना, उस पर श्रद्धा रखना, वाणी भी महावीर की आत्मदृष्टि की वाणी, और क्या है। कोई सूत्र उठा लो, उसमें आत्मा नहीं है तो क्या काम आएगा। कोई सूत्र ले लो, पहला सूत्र, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावितंग नमंग संति दस नमेश। क्या इसमें क्या है, धर्म मंगल, धर्म कौन सा धर्म, पहला ही धर्म कौन सा, आत्मधर्म। ये स्थानकवासी धर्म नहीं, तेरा पंथी धर्म नहीं, मंदरमार्गी धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, धम्मो मंग धर्म। और धर्म की व्याख्या की, वत्थु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव, मतलब आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। आत्म शब्द साथ में आया, आत्म धम्मो धर्म, वो धर्म जो आत्म धर्म है। आत्म धर्म तुम्हारे साथ ही रहता है, जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, कितना गर्म कर दो जल को, वो शीतल ही रहेगा। ऐसे ही तुम धर्म, वो धर्म आत्म धर्म मंगल है, वो मंगल जो तुम्हारा अहंकार राग द्वेष दूर कर देता है। ये साधना, ये आत्म साधना, शिवर की जो साधना है वो बड़ी गजब की साधना है। ये हमारे जीवन की असली कमाई है, क्योंकि इससे हमें सुख शांति और आनंद का भरपूर खजाना भीतर से मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य भगवान की इस साधना शिविर में आकर के सुख शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के मुठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा आत्मा। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वर्ड, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाना तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा,
सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम, चत्तारी शरणम पवज्जाम, अरहंते शरणम पवज्जाम, सिद्धे शरणम पवज्जाम, साहू शरणम पवज्जाम, केवली पाणत्तं धम्मं शरणम पवज्जाम, चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो भव्य प्राणी उसका अजर अमर उसका सदा ही मम। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय मोहित पॉल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, प्रीति जैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मान एल्यूमिनियम लिमिटेड, 9810841571।